हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुंबई से घर वापस जाने बांद्रा स्टेशन पहुंचे हजारों प्रवासी मजदूर, पुलिस ने किया लाठी चार्ज। आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण मंगलवार को देश में लॉकडाउन की अंतिम तारीख 3 मई तक के लिए बढ़ा दी गई। इस बीच महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूरों की भीड़ घर जाने के लिए इकट्ठा हो गई। यहां वे अपने अपने घर जाने देने की मांग करने लगे। शाम करीब 6 बजे जुटी इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। स्थानीय नेता के कहने पर भीड़ तितर बितर हो गई। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के विधायक बेटे आदित्य ठाकरे ने इसको लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मजदूरों के घर वापस जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। वे खाना या आश्रय नहीं चाह रहे हैं, वे अपने घर वापस जाना चाह रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि ट्रेनों की परिचालन शुरू से ही बंद है। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से 24 घंटे के लिए ट्रेन शुरू करने के लिए कहा था, जिससे प्रवासी मजदूर अपने अपने प्रदेश वापस जा सके। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में भी प्रवासी मजदूरों को अपने घर वापस भेजने के लिए रोड मैप बनाने का मुद्दा उठाया था। इधर महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा कि हमने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि हम मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें प्रवासी मजदूरों को समझाने का प्रयास किया और वे मान गए हैं। गौरतलब है कि लॉकडाउन के ऐलान के बाद कुछ ऐसा ही नजारा राजधानी दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर दिखा था। वहां पर भारी तादाद में प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए पहुंचे थे। हालांकि उसके बाद उत्तर प्रदेश रोडवेज की कई बसें चलाई गई थी। मुंबई से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।